ठीक है, इसके बाद दिया गया है एमएस वर्ड में कॉलम ऑप्शन के उपयोग को समझाइए। साथ में किया हुआ है सबने कॉलम ऑप्शन, इसमें भी देख लेते हैं क्या है कैसे ये आएगा, है ना। सामान्यतः वर्ड में हम जो डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं वह एक ही कॉलम के रूप में होता है। 2003 ओपन कर लेंगे पहले, ये देखो अभी इसमें कितने कॉलम है, एक कॉलम है। कैसे दिख रहा है ये आपका रूलर में दिख रहा है कि पूरा अभी केवल हम एक कॉलम में ही पूरा डेटा टाइप करते हैं। जैसे हम ऑटोमेटिक यहाँ पर लेकर के आते हैं मान लीजिए, तो ये जो टाइप हो रहा है या जो भी दिखेगा वो कितने कॉलम में है, अभी एक कॉलम में है। ठीक, इस बात को बोला गया यहाँ पर, अर्थात बाएं मार्जिन से दाएं मार्जिन तक की पूरी चौड़ाई में एक कॉलम होता है। ये बाएं मार्जिन से लेकर के दाएं मार्जिन की चौड़ाई में बीच में ये कितना कॉलम है, एक कॉलम है। आवश्यकता होने पर आप अपने डॉक्यूमेंट को समाचार पत्र और पत्रिकाओं की तरह कॉलम में बांट सकते हो। मतलब यही आपका एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम में भी बढ़ सकता है। अब कैसे, वही चीज दिया गया है। इसके लिए हमको क्या करना है, कॉलम बनाने के लिए हम कॉलम डायलॉग बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कॉलम डायलॉग बॉक्स कहाँ से आएगा, 2003 में आपको मिलेगा। फॉर्मेट मेन्यू में ये दिया गया है कॉलम ऑप्शन, जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये कॉलम आ गया, कॉलम बनाने के लिए डायलॉग बॉक्स आ गया। यही डायलॉग बॉक्स सेम आपको मिलेगा 2007 में भी और 10 में भी और आगे के वर्जन में भी ये डायलॉग बॉक्स मिलेगा जहां से कॉलम बनाया जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर ये देखो डिफॉल्ट कितना कॉलम सिलेक्ट है, वन। अगर हमने सिलेक्ट कर दिया यहाँ पर टू, प्रीसेट, प्रीसेट मतलब पहले से कुछ डिजाइन दिए गए हैं कॉलम बनाने के लिए, केवल हमको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया क्या, टू, और जैसे हम इसको ओके करेंगे तो अब हमारा जहां पे भी कर्जर होगा वहां से वो एक नया कॉलम डिजाइन कर देगा। अभी कर्जर कहाँ था, आखिरी में था, कर्जर कहाँ था, आखिरी में था, इसलिए एक कॉलम ये बन गया और एक कॉलम ये बन गया। ठीक है, मान लीजिए हम इसको अंडू कर देते हैं, ये फिर से एक कॉलम में आ गए। अब हम क्या करना चाहते हैं, इसको मान लीजिए अलग कलर कर दिखा देते हैं, ये अलग कलर हो गया, कर्जर को यहां पर रखा। अब हम चाहते हैं कि ऊपर वाला जो टेक्स्ट है वो एक कॉलम में रहे और बाकी का टेक्स्ट ये जो है वो दूसरे कॉलम में जाए, तो कर्जर को यहां रख दो और उसके बाद फिर से चले जाओ यहां पर कॉलम में, चले जाओ टू को सिलेक्ट कर दो, ओके कर दो, अगेन ये फिर क्या हो गया, एक ही कॉलम में आया है ना। अब दूसरे कॉलम में जाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, कॉलम ब्रेक होगा फिर ही हम इसको ले जा सकते हैं। अभी ये क्लिक करोगे तो ये क्लिक भी नहीं होगा, ठीक है, क्लिक करने पर भी ये यहां पर नहीं जा रहा है। अब इसके लिए पहले कॉलम ब्रेक करेंगे, इंसर्ट, ब्रेक में गए और उसके बाद यहां पर क्लिक किया क्या, कॉलम ब्रेक, फिर ओके किया हमने। अब आप इसको जो है दूसरे कॉलम पे ले जा सकते हो, या तो कट पेस्ट करके या तो यहां से इसको मूव करके। अब ये यहां पर क्लिक करने के लिए यहां पर ऑप्शन देगा, नहीं तो जब तक हमने कॉलम ब्रेक नहीं किया था तब तक कर्जर यहां पर नहीं आ रहा था, है ना। अब या तो आप टाइप कर लीजिए, या टाइप करने के अलावा हम इसको कंट्रोल एक्स करके और फिर इंसर्ट में जाएंगे और फिर से कॉलम ब्रेक करेंगे, इंसर्ट, इंसर्ट, ब्रेक, कॉलम ब्रेक, ओके, फिर अपन इसको पेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से भी ला सकते हो या टाइप भी किया जा सकता है, लेकिन क्या करना पड़ेगा हमको, कॉलम को ब्रेक करना पड़ेगा, तब वो दो तीन कॉलम जो है टेक्स्ट दो तीन कॉलम में जाएगा। फिर से नया पेज ले लेते हैं और इसमें कॉलम देखते हैं। फिर से हम फॉर्मेट में गए, कॉलम में क्लिक किया, अब दो कॉलम थे, अब हम क्रिएट करते हैं मान लीजिए तीन कॉलम, तीन कॉलम सेलेक्ट कर दिया, ओके कर दिया, तीन कॉलम यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर फिर से मान लीजिए कोई टेक्स्ट लेकर के आते हैं, इस बार टेक्स्ट हम ऑटोमेटिक जनरेट ना करके कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ से हेल्प में जाकर के कुछ टेक्स्ट को हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ठीक है, और टाइप भी कर सकते हो। मान लीजिए हमने इस टेक्स्ट को लिया और इसको कॉपी कर लिया और वो टाइप भी किया जा सकता है, ये कॉलम में आ गया, फिर और पेस्ट करेंगे तो ये देखो। मान लीजिए टेक्स्ट एक पेज में और भी आप टाइप करते जाते हो तो वो फिर
ऑटोमेटिक अगले कॉलम में आएगा बिना ब्रेक किए। देखना ये हमने पेस्ट किया, ये देखिए तीसरे कॉलम में भी आ गया, तीसरा कॉलम भर गया तो फिर ये अगले कॉलम में आ गया। फिर से हमने मान लीजिए पेस्ट किया, ये देखो मतलब कि जैसे ही टेक्स्ट यहां पर पूरा होगा या तो टाइप करते हुए और या तो आप कॉपी पेस्ट करते जा रहे हो, तो यहाँ पे कॉलम में टेक्स्ट फुल हो गया तो ऑटोमेटिक वो क्या होगा अगले कॉलम में चला जाएगा, कॉलम ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, कॉलम ब्रेक ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन अब ये देखिए फिर से ये तीसरे कॉलम में नहीं जा रहा है, अगर हमको बिना टेक्स्ट टाइप किए बिना कॉपी पेस्ट किए बिना इस कॉलम में टेक्स्ट को भरे अगले कॉलम में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, फिर से इंसर्ट में चले जाइए, ब्रेक में जाइए, कॉलम ब्रेक कर दीजिए, मतलब कि अब आप इस कॉलम को पूरा नहीं कर रहे हैं, इसको यहीं से ब्रेक कर रहे हैं, इसको बोलते हैं कॉलम ब्रेक। और फिर यहां टाइप कर लो जो भी चीज टाइप करना है, जो भी बनाना है, और अगर ये ऑटोमेटिक आप भरते जाते हो तो ऑटोमेटिक वो पहले पेज में जिस भी पेज में वर्क कर रहे हो अगर उसमें भर जाएगा कॉलम तो ऑटोमेटिक अगले पेज में आ जाएगा। फिर यहां पर भी अगर आप और टाइप करोगे या हमने मान लीजिए पेस्ट कर दिया फिर ये अगले कॉलम में आ गया, ठीक है। तो ये सारी जानकारी हमको होनी चाहिए कि कॉलम में किस तरीके से वर्क करते हैं। और कॉलम देखो रूलर से समझ में आता है कि कॉलम बना हुआ है, ये एक कॉलम ये हो गया और यहां से यहां के बीच में कॉलम के बीच में ये स्पेस हो गया, फिर यहां से यहां के बीच में ये कॉलम हो गया, फिर ये दोनों के बीच में स्पेस हो गया, फिर ये पूरा एक कॉलम हो गया, उसकी कॉलम की विड्थ हो गई और कॉलम के बीच में ये स्पेस हो गया, ये भी कॉलम की विड्थ हो गई, कॉलम के बीच में ये स्पेस हो गया, ठीक है। फॉर्मेट में गए, कॉलम में क्लिक किया, अब फिर से अब हम आते हैं लेफ्ट वाले में और इस बार अपन क्या करते हैं इसमें कॉलम बने हुए रहने देते हैं और देखते हैं कि क्या चेंजेस होते हैं अगर हम लेफ्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं, बने हुए कॉलम को यहां पर जैसा भी टेक्स्ट है वैसा बना रहने देते हैं, ठीक है ना। और जैसे ही हमने इसको यहां पर ले जाकर के ओके करेंगे तो अब आप देखिए जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा कि आपका लेफ्ट वाले कॉलम की विड्थ कम हो जाएगी और राइट वाले कॉलम की विड्थ ज्यादा हो जाएगी और जो भी टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएगा, टेक्स्ट जो है आपका ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएगा। अब एक चीज और है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि ये टेक्स्ट किस प्रकार से आता है तो जो भी पैराग्राफ आप यहां पर पेस्ट करते हो तो वो बीच में से टेक्स्ट जो है पैराग्राफ जो है बीच में से नहीं किसी भी प्रकार से ब्रेक होता है, वो किस प्रकार से होता है पूरा एक पैराग्राफ टाइप होते जा रहा है फिर नीचे तक आएगा फिर उसके बाद का जो कंटेंट है वो कहां पर आएगा अगले पेज में यहां पर अगले कॉलम में यहां पर टाइप होगा, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं होता है कि कुछ टाइप है और अपन ने अगर कॉपी पेस्ट किया तो वो 20 से जो है डिवाइड हो जाए, 20 से डिवाइड नहीं होता है, वो सिंपल रहता है, पढ़ सकते हो आसानी से समझ सकते हो। यहां से टाइप होते आया है हमने जैसे डायरेक्ट पेस्ट कर दिया है फिर यहां तक आया है कंटेंट फिर अगले पेज में अगले कॉलम में गया है, यहां पर अगले पेज में नहीं अगले कॉलम में, अब फिर यहां से टाइप होते आएगा फिर आपने यहां तक टाइप कर दिया या पेस्ट किया हमने फिर ये अगले पेज के फिर ये लेफ्ट कॉलम से स्टार्ट हो जाएगा, फिर यहां से टाइप होते आएगा फिर यहां तक टाइप होगा फिर ऊपर से टाइप होगा फिर नीचे तक आएगा फिर अगले कॉलम में आएगा। आप पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल वैसे ही मिलेगा जैसे कि आपने कोई पैराग्राफ टाइप किया हुआ हो, केवल वो दिख किस में रहा है कॉलम के रूप में दिख रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से ये हमने जो लेफ्ट वाला डिजाइन किया था ये राइट वाला भी डिजाइन कर सकते हैं, राइट वाले में क्या होगा राइट में कम विड्थ रहेगी कॉलम की और लेफ्ट में ज्यादा विड्थ रहेगी कॉलम की। अब यहां से हमने ओके कर दिया, ये देखो जैसे हमने ओके किया ये देखिए आप जस्ट उसका अपोजिट हो गया, राइट में कम विड्थ हो गई और लेफ्ट में ज्यादा विड्थ हो गई, है ना। तो इस तरीके से हम कॉलम बना सकते हैं कहां से फॉर्मेट में जाकर के कॉलम ऑप्शन से। और ये सारी प्री सेट डिजाइन दी गई है, किसी को भी क्लिक करो वैसा कॉलम बन जाएगा। अब मान लीजिए हमको यहां पर मैक्सिमम कितने कॉलम बनाने के लिए ऑप्शन दिया गया है, यहां पर मैक्सिमम दिया गया है 3 कॉलम बनाने तक का, गिनती में कितने कॉलम मैक्सिमम बना सकते हैं 3 कॉलम। मान लीजिए हमको बनाने हैं 4 कॉलम या 5 कॉलम बनाने हैं तो अब हम किसका इस्तेमाल करेंगे, नीचे दिए गए इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे जिसमें लिखा हुआ है नंबर ऑफ कॉलम। यहां पर हमको यदि 5 कॉलम बनाने हैं तो हमने यहां पर 5
इस स्प्लिट बटन से जो है जाकर के बढ़ा लिया, डाउन में क्लिक करेंगे तो घट जाएगा, ये बढ़ा लिया। ओके करेंगे हम तो ये अब जो भी टेक्स्ट है वो कितने कॉलम में डिवाइड हो गया, 5 कॉलम में। तो जैसे यूजर की आवश्यकता है वैसे आपको बनाना है, इस तरीके से नहीं बनाना है कि दिखने में अच्छा ना लगे, समझ में ना आए, हमको ऐसा बनाना है कि समझ में आए। अभी हमने सीखने के लिए यहाँ पर 5 कॉलम बनाए हैं, और भी जितने कॉलम बनाना हो, बहुत बड़ा पेज का साइज है तो आप ज्यादा कॉलम बना सकते हो। कॉलम सबसे ज्यादा कहाँ पर देखा है आपने, न्यूज़पेपर वगैरह में, ठीक है। इसकी एक एक्सरसाइज भी है जिसमें कॉलम बनाने के लिए दिया गया है, उस एक्सरसाइज को हम दिखा देते हैं आपको कि कॉलम आपको किस तरीके से न्यूज़पेपर में बना हुआ मिलेगा। ठीक है, तो कॉलम को बनाने के लिए जैसे बुलेट से नंबरिंग के लिए एक्सरसाइज थी, वैसे ही कॉलम को बनाने के लिए भी एक्सरसाइज दी गई है। देखो हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर की कटिंग यहाँ पर लगाई गई है, इसमें ये देख सकते हो आप कितने कॉलम बने हुए हैं, 3 कॉलम बने हुए हैं, और इसको अलग से जो है सिलेक्ट करके उसकी फॉर्मेटिंग कर दी गई है, हेडिंग कलर वगैरह दे दी गई है, सेडिंग कलर दे दिया गया है, बाकी कितने कॉलम है, 3 कॉलम है। इस तरीके से न्यूज़पेपर में आपको सबसे ज्यादा कॉलम देखने के लिए मिलेगी। कॉलम बनाने की प्रैक्टिस आप इसको देख करके कर सकते हो, है ना। तो ये था आपका कॉलम बनाना। अब कॉलम बनाने के लिए और क्या ऑप्शन दिया गया है, अगला ऑप्शन दिया गया है लाइन बिटवीन चेकबॉक्स। अगर हम इस लाइन बिटवीन चेकबॉक्स को चेक करेंगे तो क्या होगा, इस कॉलम के बीच में सभी कॉलम के बीच में लाइन आ जाएगी, और कुछ भी नहीं है, जो बीच में स्पेस था उस स्पेस की जगह में एक लाइन दिखाई देगी, जिससे कॉलम और स्पष्ट आपको अलग अलग देखने मिलेंगे। फिर से हम इसमें गए, कॉलम में गए, लाइन बिटवीन देख लिया। अभी यहां पर देखिए आप, सभी ये इनएक्टिव हैं, डिसेबल हैं, ये सारे ऑप्शन कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको, डिसेबल दिखाई दे रहे हैं। कॉलम के नाम दिखाई दे रहे हैं, कॉलम नंबर 1 उसकी विड्थ कितनी है, 0.8 इंच, उसके बाद का स्पेस मतलब कि इसकी विड्थ 0.8 इंच और उसके बाद का स्पेस मतलब दो कॉलम के बीच का स्पेस कितना दिया गया है, 0.5 इंच। फिर ऐसे ही दूसरे कॉलम की भी विड्थ कितनी दी गई है, 0.8 इंच और उसके बाद का स्पेस कितना दिया गया है, 0.5 इंच। ऐसे करके जितने कॉलम बने हैं, टोटल 5 कॉलम है, सभी की विड्थ एक सी है, सबके बाद का स्पेस एक सा है। लेकिन अब हम ये चाहते हैं, मान लीजिए अलग अलग बनाना चाहते हैं, कुछ ऐसी डिजाइन बनाना है न्यूज़पेपर में कि एक कॉलम की विड्थ थोड़ी बड़ी हो, दूसरे कॉलम की विड्थ थोड़ी सी कम हो, बीच का स्पेस भी हम अपने अनुसार देना चाहते हैं, तो क्या करेंगे कि यहां पर देख सकते हो कि ये ऑप्शन चेक्ड है, इक्वल कॉलम विड्थ। इसी कारण से ये सबकी कॉलम की विड्थ इक्वल है, पहले वाले कॉलम की भी 0.8 इंच, दूसरे वाले कॉलम की भी 0.8 इंच, तीसरे वाले कॉलम की भी, चौथे और पांचवे कॉलम की। क्यों? क्योंकि ये चेक्ड है। अगर इसको हटा देंगे, अनचेक्ड कर देंगे, तो आप देखना कि ये सारे इनेबल हो जाएंगे। देखो सारे इनेबल हो गए। फायदा क्या है, बदल सकते हुए, दूसरे वाले की स्पेस बढ़ा दी हमने, विड्थ बढ़ा दी कॉलम की, प्रीव्यू में भी बढ़ गई है, उसके बाद का स्पेस मान लीजिए कम कर दिया, तीसरे कॉलम की विड्थ भी हमने और थोड़ा सा चेंज कर दी, चौथे कॉलम की विड्थ भी हमने चेंज कर दी, पांचवे कॉलम की विड्थ चेंज कर दी और ओके कर दिया। अब देख सकते हो कि सभी कॉलम की विड्थ जो है वो अलग अलग हो गई। इसकी विड्थ इतनी है, रूलर से समझ में जाएगा, इसकी विड्थ इतनी दी गई है, फिर इसकी विड्थ इतनी है, इस तरीके से सभी कॉलम की विड्थ हमारी अलग अलग हो जाती है किस ऑप्शन से, यदि हमने इसको अनचेक्ड कर दिया है। अगर इसको चेक्ड कर देंगे तो फिर से सभी कॉलम की विड्थ ऑटोमेटिक वो पहले के अनुसार ले लेगा। पहली कितनी थी, 1.08 इंच, सबकी वैसे ही इसने कॉलम की विड्थ ले ली। हटा दोगे तो ये डिसेबल फिर से इनेबल हो गए, फिर से आप इसकी अलग अलग विड्थ ले सकते हो। ठीक है, तो ऐसे करके अपन कॉलम की विड्थ क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसके बाद देखो, कॉलम बनाने के लिए एक तरीका और दिया गया है, अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट या दिस पॉइंट फॉरवर्ड। अब इसका कहां पर यूज आएगा, मान लीजिए हमने यहां पर हेडिंग दे दी, ठीक है, और इस हेडिंग को देने के बाद
अब हमको जो कॉलम क्रिएट करना है जो भी, वो इसके हमको बाद में बनाना है, इसके बाद से हमको डिजाइन करना है। तो फॉर्मेट में गए, कॉलम में क्लिक किया। अगर हम सिंपल यहाँ पर इस तरीके से कॉलम बना देंगे तो देखो जो हेडिंग है वो भी कहाँ पर आ जाएगी आपकी, वो भी कॉलम में ही नीचे की तरफ दिखाई देने लगेगी। वो भी हेडिंग किस में आ गई, कॉलम में आ गई। इसको हम अंडू कर लेते हैं, एडिट में गए, अंडू कॉलम कर लिया। अब हम चाहते हैं कॉलम जो है वो यहाँ से क्रिएट हो, हेडिंग अपनी जगह पर बनी रहे। तो फिर से हम जाएंगे यहाँ पर फॉर्मेट में, कॉलम में क्लिक करेंगे और उसके बाद मान लीजिए तीन कॉलम बनाने हैं, तीन को सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पर आए और दिस पॉइंट फॉरवर्ड में क्लिक कर दिया। देखो हेडिंग देने के लिए प्रीव्यू में भी एक छोटी सी जगह यहाँ पर छूटी हुई है, तो यहाँ पर हमने स्पेस छोड़ दिया, ओके किया। तो आप देख सकते हो कॉलम जो है इस हेडिंग को छोड़ करके क्रिएट हो रहा है। अब जो भी आप लिखेंगे वो यहाँ पर किस तरीके से बनेगा, वो बनेगा आपका कॉलम में, ठीक है, और आपका किस कॉलम में बनेगा, जितने कॉलम आपने यहाँ पर बनाए हुए हैं। और हेडिंग जो है वो कॉलम में नहीं आई, ये हमने ऑटोमेटिक टेक्स्ट को लेकर के आ गए। देखिए तीन कॉलम में टेक्स्ट ऑटोमेटिक चला गया। तो इस तरीके से अगर हेडिंग देना है आपको तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमको जाकर के कॉलम बनाते समय पहले कॉलम की हेडिंग टाइप कर लेना है, फिर देना है जाकर के दिस पॉइंट फॉरवर्ड ऑप्शन। तो वैसे ही हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो कॉलम क्रिएट हो जाएगा और उसके बाद से हमारा टेक्स्ट जो है वो चालू होगा, ठीक। तो ये था आपका कॉलम ऑप्शन, जो कि आपको कहां पर मिलेगा, फॉर्मेट मेन्यू में। और ये कॉलम ऑप्शन दिया गया है, इसकी शॉर्टकट की क्या होगी, अल्टर के साथ ओ और फिर सी, कॉलम का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। और कॉलम बनाने के लिए ऑप्शन कहां मिलेगा, कॉलम बनाने के लिए ऑप्शन ये दिया गया है, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम और चार कॉलम। टूल बार में, किस टूल बार में मिलेगा ये मिलेगा हमको स्टैंडर्ड टूल बार में। कॉलम बनाने के लिए ऑप्शन कहां पर मिलेगा, स्टैंडर्ड टूल बार में, ये दिया गया स्टैंडर्ड टूल बार में। इसी प्रकार से 2007 में जब जाओगे, क्योंकि 7 के बाद जो 10 है बिल्कुल वैसे ही है, इसमें कॉलम कहां पर मिलेगा आपको, इसमें आपको कॉलम मिलेगा पेज लेआउट में, क्योंकि ये पेज का लेआउट डिसाइड कर देता है, इसलिए मिलेगा पेज लेआउट में। और इस तरीके से दिया गया है आपको कॉलम बनाने के लिए, मोर कॉलम में क्लिक करोगे सेम वैसा ही डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जैसा अभी हमने डिस्कस कर लिया है। 3 और 7 में लगभग एक सा है। तो ये था आपका क्या